हेलो 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 जी सर, हमारे गांव में कम से कम 1500-1600 वोटर है सर, उसके बराबर आबादी है सर। सबके पास हर घर में दो दो तीन तीन मोबाइल हैं, किसी के पास घर में नेटवर्क नहीं आता सर। यहाँ से 1 किलोमीटर चल के हम इस जगह में नेटवर्क आता है, तो हम चल के सब लोग यहाँ से अपने मतलब किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना होता है तो यहाँ आके मतलब फ़ोन करते हैं सर। अगर हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो मस्जिद से ऐलान करवाया जाता है फ़ोन पर, किसी घर वाले को भी यहाँ इधर गांव में नहीं पता चलता। तो अगर बाहर किसी को फ़ोन करना होता है तो 1 किलोमीटर रात को टारेज लेके हम यहाँ पर आके यहाँ से कॉल करते हैं सर जी। सर उनसे अपील यही है कि हमें एक मतलब नेटवर्क की सहूलियत दी जाए, कोई टावर यहाँ पर छेला डांगरी गांव में बनाया जाए, जिसको हम लोग भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ से तो पाकिस्तान के साथ नहीं कनेक्ट होता, तो सर यहाँ पर भी एक नेटवर्क का टावर होना चाहिए सर, किसी भी कंपनी का होना चाहिए। इम्तियाज़ है मैंने जी। सर जैसा कि आप देख रहे हैं इधर बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ हमें रात को अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है हमें 1 किलोमीटर दूर चल के फ़ोन के लिए आना पड़ता है। अगर कोई मातमदारी या कोई प्रॉब्लम हो जाती है मस्जिदों में ऐलान करवाया जाता है। दूसरा कि सरकार ने जैसे आज जो है तालीम का निज़ाम है वो ऑनलाइन सिस्टम रखा है, हमारे स्कूल तो बंद हैं, हमारे बच्चों के बजाय मोबाइल तो हमने लेकर दिए हैं, उनके पास कोई नेट की उनकी सहूलियत फराम नहीं है। नेटवर्क लगेगा लेकिन कोई नेटवर्क, बोलते हैं 3 सेक्टर बनते हैं, चौथा सेक्टर बनेगा तो नेटवर्क यहाँ लगेगा। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि सर हमें यहाँ कोई नेटवर्क लगाया जाए जिससे हमारे बच्चों की तालीम का निज़ाम जो है सर जारी रहे। हम वो 47 की ज़िंदगी जी रहे हैं सर, वो इब्तदाई इंसान की तरह हम जी रहे हैं, हमारे पास कोई भी डिजिटल सिस्टम नहीं है, कोई सहूलियत फराम नहीं है। आज बोल रहे हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि डिजिटल निज़ाम चल रहा है, लेकिन हम वो इब्तदाई इंसान वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर।